विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। संसद की सुरक्षा सेंध मामले में आरोपियों को नहीं मिली राहत, सभी की हिरासत 13 जनवरी तक बढ़ाई गई, 6 में से 5 आरोपियों का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। राजस्थान में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 72 IAS और 121 RAS अधिकारियों का हुआ तबादला। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिया इस्तीफा, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से बनाया है राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार, संजय सिंह और एनडी गुप्ता को भी टिकट। राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार में मंत्रियों के बीच हुआ विभागों का बंटवारा, दिया कुमारी वित्त, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा परिवहन विभाग, सीएम ने अपने पास रखा गृह मंत्रालय। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अलका लांबा को दी बड़ी जिम्मेदारी, जिग्नेश मेवाणी स्क्रीनिंग कमेटी में हुई शामिल। लखीमपुर से गुजर रही कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा लखनऊ में 6 जनवरी को समापन, भव्य स्वागत की तैयारी। अमित शाह पर टिप्पणी मामले में सुनवाई आज, सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में पेश हो सकते हैं राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ी बीजेपी की धड़कनें, जेपी नड्डा के नेतृत्व में पंचकुला में निकलेगा भव्य रोड शो। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, सीएम सुक्खू आज करेंगे नाहन का दौरा, 225 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। लोकसभा चुनाव को लेकर आपने झोंकी ताकत, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर। उत्तर भारत में भीषण ठंड का कहर जारी, कोहरे ने थामी ट्रेनों की रफ्तार, राजधानी में शीतलहर तेज। UPI ने दिया लोगों को नया अपडेट, जल्द शुरू होगी UPI की नई सर्विस, आपको मिलेगा ये लाभ।